हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स ठीक होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने गांव। गांव में आए हुए हैं तो गांव में देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम खेतों में अभी घूम रहे हैं। खेतों में अभी हरी भरी अभी हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आए हुए हैं अपना धान देखने के लिए। तो अभी हमारा धान का पौधा देखिए, अभी बहुत छोटा छोटा है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी तो बारिश के कारण ये पूरा गीली पड़ी हुई है खेत, और इसमें ना पानी लग गया है। तो इधर हम घूमते घूमते अपने घर से बाहर निकले हैं, तो अभी बाहर आए हैं तो सोचे हैं बारिश छूटा है तो सोचे थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो घूमते घूमते क्या हुआ है गाइस, जो हम आ गए हैं बगीचा में, और ये देखिए हमारे यहाँ के हरी भरी जंगल, भरी भरी खेत। और देख सकते हैं गाइस, ये रहा जंगल। इधर गांव नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम से खाली खाली पड़ा हुआ है गाइस। तो इधर हम अकेले आए हुए हैं, अभी ना मोही आई हुई है ना अभिराज बेटा आया हुआ है, कोई नहीं आया हुआ है। और मेरे भोलू बच्चा ड्यूटी चले गए हैं। प्लीज बोलू, आई मिस यू, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। प्लीज आप जहाँ कहीं भी हो तो मेरे से बात कर सकते हैं, प्लीज कर लीजिए। बोलू कितना बिजी है, आज बात भी नहीं किए। देख सकते हैं यहाँ ये पूरा सारी खेत जो दिखाई दे रहा है बगल में, ये सारी खेत मेरी है। और खेत के सामने जो घर दिखाई दे रहा है, अभी जंगल से दिखाई नहीं दे पा रहा है, वो जो घर है वो मेरा घर है। और एक और यहाँ जो आए हुए हैं, ये देखिए ये बगीचा जो है, ये देखिए यहाँ बगीचा में आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो हम यहाँ आ चुके हैं और ये इनसे मिलिए, ये है मेरी लक्ष्मी लक्ष्मी गाय। अभी ये तो बड़ी बदमाश है, जब जाते इसके पास में तो ये बहुत मारने दौड़ती है, तो इसके पास तो कोई जाता ही नहीं है। इधर पापा जाते हैं इसको खिलाते हैं, तो यहाँ अभी बगीचे में इसको ला करके इसको खाने के लिए, तो अभी ये घास खा रही है। यहाँ पे ही ला करके बांध दिया गया है, तो ये घास खा रही है। कालू, एकदम बिल्कुल काली है, एकदम काली महाकाली गाय है, बहुत ही बदमाश है। एक बार ये खुल जाती है रस्सी से तो ये मिलती ही नहीं है, ये तो भागने लगती है। तो इसको ना ऐसे करके रखते हैं हम लोग, डर लगता है इसको खोलने में। तो गाइस देख सकते हैं, और घूमते घूमते थोड़ा सा बोर फील हो रहा था तो आ गए हैं बाहर। अब करे भी तो क्या करे, अब सोच रहे हैं कुछ अलग करने के लिए। और भोलू भी आएंगे एक दो रोज में आएंगे मिलने के लिए, तो अभी तो भोलू है नहीं, तो भोलू के बिना तो बिल्कुल अधूरे अधूरे से हैं। और अपने भोलू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भोलू के बिना एक पल भी मेरा मन नहीं लगता है कहीं। तो अपने भोलू बच्चा को बुला लेते हैं, फ़ोन करके बोलेंगे जो आ जाइए, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इधर अभी कोई नहीं है, कहाँ जाए, कहाँ है, सुन रहे बोलू कहाँ है, बात तो कर लीजिए ना प्लीज बाबू। तो देखिए इधर कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, हम अकेले आए हुए हैं और मेरा मन नहीं लग रहा है। और ये गाइस देखिए, एक मेरा खेत और है, तो इसमें क्या हुआ है ना, इस खेत में पानी लगा हुआ है, बहुत सारा पानी लगा हुआ है। और ये ना अभी ये पानी खत्म होगा तब ना इसमें यूरिया मारा जाएगा, इसका पानी खत्म नहीं हो रहा है। तो अभी बारिश हो जा रहा है, जब भी सोच रहा है लोग यूरिया मारने के लिए तभी ये बारिश हो जा रहा है। तो अभी ऐसे ही सब खेत पड़ी हुई है और ये बारिश के कारण ये सब में ज्यादा ज्यादा पानी लग गया है। अब देखिए तो कब तक बारिश हो रहा है, कब तक बारिश छूट रहा है। तो गाइस ये देखिए हमारे खेतों में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, जो ये लगाया नहीं गया है, ये खुद से अपने आप निकल आया हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा पेड़ हो गया है, देख सकते हैं। और इधर 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 एक भाई मेरे आम का पेड़ लगाया हुआ है, एक छोटा सा एक ये पेड़ है, एक वो पेड़ है खेत में लगा हुआ है। और उधर जो है जामुन का पेड़ है, और उधर जस्ट जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, और सिरिस का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है। और उसके अंदर घर है, यहाँ पे ज्यादा गांव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जंगल जंगल आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो ये रहा वो सामने जो दिखाई दे रहा है, वो मेन रोड है, तो इस मेन रोड से ही हम लोग आते जाते हैं कहीं। और इधर से देख लीजिए, एक इधर बड़ा सा पुल है, और बस उधर से रोड है।
कहीं भी आना जाना होता है तो हम लोग उधर से ही आते जाते हैं। और ये बगीचा सामने दिखाई दे रहा है, हम लोगों को मन नहीं लगता है तो हम लोग बगीचा में ही आ जाते हैं गाइस। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। और आपको हमारे यहाँ घूमने का मन हो गाइस तो आप हमारे यहाँ आकर के घूम सकते हैं, यहाँ पे आइएगा। बारिश के मौसम में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस अभी, और मुझे भी यहाँ आ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। शादी हो गया तो कैद हो गए थे घर में, अब तो यहाँ पे आ करके बहुत ही आज़ादी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे तो हम घूम रहे हैं, लेकिन मेरे भोलू बच्चा ड्यूटी पे चले गए हैं तो वो तो घूम ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ मैं कहीं और जाऊंगी घूमने के लिए, बाहर जाऊंगी। तो वो सिर्फ उनका वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं जो वो कब तक मेरे भोलू बच्चा आ रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही गाइस, आप भी मस्ती कीजिए, हम भी मस्ती करते हैं, और तब तक के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।